हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और आज ट्यूसडे है, 2 अक्टूबर है आज, और तविशी की आज छुट्टी है, छुट्टी सेलिब्रेट कर रही है वो। और हमारा आज प्रोग्राम था, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड का, कि हम लोग आज मार्केट जाएंगे। तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि हो सकता है कि आज मार्केट खुला हो या फिर बंद हो, कुछ कन्फर्म सा नहीं था। तो फिर मैंने अपनी एक दो फ्रेंड से और पूछा तो उन्होंने बताया कि आज खुलेगा तो, लेकिन सेकंड हाफ में वो मार्केट जो है वो खुलेगा, और जो जरूरी नहीं है कि सारी शॉप्स खुलें। तो फिर मेरा जो आज का प्लान था मार्केट जाने वाला, वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग जाएं, क्योंकि मुझे जो पता है नोएडा के आसपास जो है, मैं नोएडा में रहती हूँ जैसे, तो यहाँ के मार्केट का तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो मुझे नॉलेज जो मैं पहले दिल्ली में रहती थी तो वहीं के मार्केट की है। तो मैं और मेरी फ्रेंड सोच रहे थे कि हम लोग वहीं से ही कुछ जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, काम का, ग्रॉसरी वगैरह का भी थोड़ा बहुत सामान लेना है, और उनको भी थोड़ा बहुत सामान लेना था। एक्चुअली उनके हस्बैंड अब्रॉड जा रहे हैं, तो उसी से ही रिलेटेड उन्हें थोड़ा बहुत जो सामान था वो चाहिए था उनको देने के लिए, पैकिंग वगैरह करने के लिए। तो लेकिन फिर अब सेकेंड हाफ में भी पता नहीं जिन जिन शॉप पे हमें जाना है वो खुली मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसलिए हमारा जो प्रोग्राम था वो तो कैंसिल हो गया है। लेकिन फिर अभी मैंने एक चीज सोची, अभी कुछ दिन पहले मैंने जो अपनी दिवाली की डीप क्लीनिंग वाला जो वीडियो अपलोड किया है, तो कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपने अभी से ही शुरू कर दी है क्या दिवाली की डीप क्लीनिंग, और अगर आप अभी से ही शुरू कर देंगे, फिर से देखो डिस्टरबेंस, मैं इतनी परेशान हूं ना आजकल, इतनी ठक ठक की आवाज आती रहती है, अब ये वीडियोस में भी आएगी, अब मैं कर क्या सकती हूँ, मैं चाहे दरवाजे बंद कर लूं या कुछ भी कर लूं, फिर भी आवाज आनी ही आनी है। तो प्लीज सॉरी इस चीज के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, आप लोगों ने बोला है कि आपने डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है क्या, या फिर अगर आपने डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है तो दिवाली तक आते आते तो धूल बहुत सारी हो जाएगी घर में। तो ऐसा नहीं है, मैंने डीप क्लीनिंग नहीं स्टार्ट की है, मैंने सिर्फ अभी टिप्स जो थे वीडियो में वो आपको दिखाए हैं कि आप अगर डीप क्लीनिंग करेंगे तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखें। मैं इसी टाइप से करती हूँ, तो मैंने जो मेरा तरीका है वो आपके साथ शेयर किया था। और एक चीज और है, मैं अभी, क्योंकि आपकी ये जो कंफ्यूजन है कि कहीं मैं अभी से तो नहीं शुरू कर रही हूँ, तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने अभी एक लिस्ट प्रिपेयर की है, वो आपको बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे सफाई जो है अपने घर की डीप क्लीनिंग वो कैसे करूंगी। और हो भी सकता है कि जैसे मैंने जो डेज डिवाइड किए हैं वो मैं एग्जैक्टली सेम डे ना करूं, क्योंकि कभी कभी होता है घर में गेस्ट आ गए या कहीं हमें कहीं जाना पड़ गया, तो थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं दिन, लेकिन फिर भी अपने अपनी सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है कि आपके लिए भी वो बहुत ही हेल्पफुल रहे और आप भी उसी तरीके से ही क्लीनिंग स्टार्ट करें, तो अच्छा रहेगा कि मैं भी क्लीनिंग करूं और दूसरी साइड आप भी क्लीनिंग करें, तो साथ साथ काम भी हो जाएगा और फिर मतलब दोनों साइड से काम निपट जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लिस्ट प्रिपेयर की है। तो देखिए, मैंने ऐसे करके ये लिस्ट प्रिपेयर की है। तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मैं आजकल में ही किसी दिन कर दूंगी। मेरे घर में जितने भी वार्डरोब्स हैं उसको मैं क्लीन कर दूंगी एक एक दिन करके, तो मेरी ये जो डीप क्लीनिंग है उससे पहले ये काम हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया ही है कि मैं वुलन्स वगैरह, मैट्रेस वगैरह जो होंगे वो सब मैं पहले ही अभी इसी कड़क धूप में सुखा दूंगी, और ऊनी कपड़े भी मैं निकाल के एक दिन क्या करूंगी वो भी सुखा दूंगी, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा ये मेरा डीप क्लीनिंग वाला काम। तो अब आप ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है 10 और 11, तो 10 और 11 अक्टूबर को क्या है, नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी 10 तारीख से। तो मैं क्या करती हूँ, नवरात्रि के जो फास्ट हैं या तो मैं शुरू के रखती हूँ 2 या फिर आखिर के 2 रखती हूँ, तो इस बार मैं शुरू के ही 2 फास्ट रख लूंगी 10 और 11 को नवरात्रि वाले। उसके बाद 12 को क्या होगा, 12 को है फ्राइडे, ठीक है, तो 12 तारीख को मैं करूंगी किचन की डीप क्लीनिंग। उसके बाद है 13th को है सैटरडे, सैटरडे को हो जाएगी मेरी बेडरूम की डीप क्लीनिंग। मुझे बेडरूम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसे ही उसकी सफाई कर दी थी, और वार्डरोब अगर ऑर्गेनाइज पहले से ही हो जाएगी तो इतना ज्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बेडरूम क्लीनिंग में। फिर है 14th को संडे, उस दिन मैं रेस्ट करूंगी, क्योंकि हो सकता है उस दिन कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो कोई मैं डीप क्लीनिंग वगैरह उस दिन नहीं करूंगी। फिर है 15th को है मंडे, ठीक है, तो उस दिन मैं क्या करने वाली हूँ, अपनी बेटी का जो रूम है, तविशी का रूम, उसकी डीप क्लीनिंग करूंगी। तो उसके डीप क्लीनिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि वार्डरोब तो मैं पहले ही उसकी भी कर चुकी होंगी ऑर्गेनाइज्ड,
तो और बस फिर डस्टिंग वगैरह का ही जो काम होगा, और जो थोड़ा बहुत जो उसका यूजलेस सामान होगा, जैसे कि कुछ पेन होंगे जो खराब वगैरह, इस टाइप का कोई भी सामान, कॉपीज वगैरह जो उसके काम की नहीं है, उन सबको मैं हटा दूंगी। और फिर है 16th, 16th को है ट्यूसडे, तो उस दिन मैं करने वाली हूँ सेकंड बेडरूम की क्लीनिंग, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद है 17th, 17th को है वेडनेसडे, उस दिन है अष्टमी। हमारे घर में अष्टमी नहीं मनाई जाती है, हमारे घर में जो है नवमी को मनाया जाता है, तो वो है थर्सडे को। तो मैं अष्टमी वाले दिन प्रिपरेशन करूंगी नवमी की, यानी कि जो भी हलवा वगैरह, पूड़ी वगैरह, हम चने वगैरह बनाते हैं, तो उन सब की प्रिपरेशन जो है, सामान वगैरह लाना जो भी होगा, तो और बच्चों के लिए जैसे प्लेटें वगैरह हम लाते हैं, तो वो सब की जो प्रिपरेशन है मैं अष्टमी वाले दिन कर लूंगी। तो फिर थर्सडे मेरा नवमी सेलिब्रेशन में चला जाएगा। उसके बाद है 19th, 19th को है फ्राइडे, ये देखिए। और उसके बाद है, हाँ, 19th, 19th को फ्राइडे हो गया, दशहरा है उस दिन, तो उस दिन मैं लूंगी ब्रेक दशहरा का। अब फिर बीच में ऐसे छोटे छोटे ब्रेक आते रहेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि इससे ना बहुत ज्यादा थकान नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। तो मैंने जैसे बीच बीच में ब्रेक दिए हुए हैं, तो उससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मुझे थकान भी महसूस नहीं होगी। अब देखें पीछे, तो शुरू करते हैं सेकंड पेज से। तो सेकंड पेज में है 20th अक्टूबर, सैटरडे है उस दिन। उस दिन मैं कर दूंगी लिविंग रूम की सफाई और स्टोर की सफाई। लिविंग रूम और स्टोर को साफ करने में मुझे हार्डली 2.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि लिविंग रूम भी मेरा बहुत ज्यादा गंदा नहीं है, सिर्फ डस्टिंग और अगर जाले वगैरह हुए वो झाड़ने होंगे, और स्टोर रूम में भी बहुत छोटा सा स्टोर रूम है, तो वो भी फटाफट हो जाएगा। तो ये एक दिन में मेरे दोनों काम निपट जाएंगे। फिर है संडे, संडे को मैं अपने हस्बैंड की हेल्प से जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह हैं वो साफ कर लूंगी। तो मेरे हस्बैंड फैन को साफ करवा देंगे, स्विच बोर्ड्स वगैरह वो साफ कर देंगे, और फ्रिज की डीप क्लीनिंग मैं खुद कर लूंगी। और अभी कुछ दिन पहले मैंने फ्रिज डीप क्लीन किया ही है, तो बहुत ज्यादा मेहनत इसमें नहीं लगने वाली है। फिर आएगा 22nd अक्टूबर, यानी मंडे। उस दिन मैं अपने डोर्स, विंडोज वगैरह जो है वो क्लीन कर लूंगी। विंडोज भी मैंने अभी कुछ दिन पहले अच्छे से साफ की ही है, तो उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। फिर है 23rd, यानी ट्यूजडे। उस दिन जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं, फ्लावर्स वगैरह हैं, तो घर में सजाने वाली जो भी चीजें हैं उनको साफ कर लूंगी। फिर आएगा देखिए करवा चौथ, वो है 27th अक्टूबर का। तो मेरे पास 23 के बाद 24, 25 और 26 तीन दिन है खुद को पैम्पर करने का। डीप क्लीनिंग के बाद मेरी खुद की हालत खराब हो जाएगी, तो खुद को पैम्पर करना ही होगा। साथ में अगर मुझे कोई साड़ी वगैरह जो पहननी है तो उसको भी मैं रेडी करवाऊंगी, तो और खाने वाने के जो पूजा का सामान होता है, तो पूजा में जो हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन पहले से करके रखूंगी कि क्या क्या सामान लेकर आना है, मेकअप वगैरह का सामान। तो ये 3 दिन सफिशियंट होंगे करवा चौथ की तैयारी के लिए। तो 27th का करवा चौथ है। उसके बाद आ जाएगी बारी 28th और 29th। उस दिन मेरे घर में वैसे 3 बाथरूम है, तो 2 बाथरूम तो मैं क्लीन कर दूंगी, 1 मेरे हस्बैंड कर देंगे। तो 28th को और 29th को मैं बाथरूम की डीप क्लीनिंग कर दूंगी। फिर आएगा उसके बाद है 30 अक्टूबर, ठीक है, उस दिन कोई काम नहीं होगा। फिर 31st अक्टूबर को क्या है, होई अष्टमी है। होई अष्टमी हमारे यहाँ इसका भी फास्ट रखा जाता है और पूजा होती है, तो होई अष्टमी की भी मैं 30th अक्टूबर को तैयारी कर लूंगी। पूजा वूजा में जो सामान होता है उस वो लाने का, खाना वाना जो बनाना होता है पूजा के लिए, उसकी तैयारी तो 30th अक्टूबर को हो जाएगी। 31st को होई अष्टमी मना लेंगे हम लोग। फिर 1st और 2nd का रेस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत अगर मुझे कोई शॉपिंग करनी है तो वो हो जाएंगी छोटी मोटी दिवाली को लेकर। 3rd अक्टूबर में बोल रही हूँ, 3rd नवंबर को हम क्या करेंगे, मंदिर की डीप क्लीनिंग कर लूंगी मैं। मंदिर में जो भी कुछ मुझे अगर कुछ चेंजेस करने हैं, डेकोरेटिव मैंने पेपर वगैरह लगा रखा है, अगर मुझे वो चेंज करना है और भी बहुत सारी चीजें, उसको अच्छे से डीप क्लीन वगैरह मैं 3rd नवंबर को कर लूंगी। उसके बाद संडे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3rd है, 3rd को सैटरडे है, तो फिर क्या है, संडे है 4th का, तो 4th को रेस्ट भी हो जाएगा मेरा, और दिवाली की क्या हो जाएगी, शॉपिंग वगैरह भी हो जाएगी, जो छोटी मोटी शॉपिंग रह जाएगी, जैसे कि दिए वगैरह लेना, तेल वगैरह लेना, बत्तियां वगैरह, तो ये मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके शॉपिंग कर लाऊंगी इन सब चीजों की। तो फिर बाद में आ जाएगा 5th का, यानी मंडे का।
धनतेरस, तो तब से तो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे। तो देख लीजिए मेरा ये जो लिस्ट है, अगर आपको पसंद आई मेरी ये लिस्ट जो मैंने ये प्लानिंग की है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर मेरी प्रिपरेशन आपको ये अच्छी लगी है, मेरी ये लिस्ट आपको पसंद आई है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।